हाय फ्रेंड, मैं इसके ब्रदर फ्रॉम रांची आज फिर लाइव आया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आज से हमारा टीम फिर से सक्रिय हो चला है। उन लोग से मिलवाना चाह रहे हैं जो काफ़ी झारखंड के लेजेंड और मेरे जीवन का भी बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जी मैं बात कर रहा हूं हमारे इस सॉन्ग का जो डायरेक्टर है तेज मुंडू सर, आज डायरेक्ट उन्हीं से हम मिलवाते हैं। आज क्या चल रहा है इनके मन में, थोड़ा बात करेंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोहार सभी को। सर मैं पूछना चाहूँगा, चलिए आप झारखंड के लिए बहुत चीज़ दिए हैं और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से हम लोग जुड़ने का मौका मिला। और स्पेशल थैंक्स टू विश्वनाथ दा जिन्होंने हमारे लिए भी अवसर प्रदान किए। तो मैं जानना चाहूँगा सर, ये जो इतने दिनों शूटिंग चल रही, बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये फिल्म बना रहे हैं कि सॉन्ग बना रहे, बड़ा कन्फ्यूजन में है कि एक सॉन्ग को शूट करने में आप लोग 10 दिन, आज 10वां दिन चल रहा है शूटिंग का, तो बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ये क्या मतलब बाहुबली टाइप का कुछ चीज़ बना रहे हैं क्या, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। हाय मिलन भाई, हाय FS हेमरन भाई, तो आज तेजा है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ मन में अगर सवाल हो आपको तो पूछ सकते हैं। और ये स्पेशली बताना चाहूँगा एक बार और कि अगर आप लोग यूट्यूब चैनल में करम राज 9 अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये नोटिफिकेशन आपके तक जल्द से जल्द मिलने पाए। तो तेजा आप कुछ बोलिए, बहुत सारे जो दोस्त लोग देख रहे हैं। ये एक्चुअली जो सॉन्ग बना है इसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। जनरली कोई भी सॉन्ग होता है तो 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये वीर बुद्ध भगत जी के ऊपर है। और चूँकि सारा चीज़ हम लोग डालने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे मन में भी ये बात है कि लोग थोड़ा भूल गए हैं इनको, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सॉन्ग के माध्यम से जितना इंफॉर्मेशन उनको दे सके, वो हमारी कोशिश है। और इतना दिन लग रहा है क्योंकि ये चैलेंजिंग है, प्लस हम लोग चाहते हैं कि बहुत से बहुत बेहतर बने, है ना। ये पूरा टीम 10 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो भी इसका रिजल्ट आएगा आखिर में तो आप ही लोग इसके जज हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दे रहे हैं और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आग्रह आपसे यही करते हैं कि ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वीर बुद्ध भगत जी के बारे में बहुत कुछ है जो कि आपको नहीं पता होगा, मुझे भी बहुत नहीं पता था सच अगर हम कहें तो। इस सॉन्ग के जरिए हम अपने वीर बुद्ध भगत जी को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला और वो कितने महान फ्रीडम फाइटर थे, ये सबको जानना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि ये सारे लोग देखें और अपना जो भी उनको लगता है जैसे कि वो उस जगह को विजिट कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, तो हम ला ही रहे हैं, फिर वो अपनी तरफ से भी अपना एफर्ट करके ज़रूर से ज़रूर उनके समाधि स्थल पे जाएं और कुछ जानकारी हासिल करें। तो चलिए दादा, बहुत लोग दिल्ली से देख रहे हैं, ललित बागे जी, लातेहार से S रामचंद्र जी और FX हेमरोम जी। मैं बता मतलब और एक चीज़, दो तीन चीज़ जो हमको पता चला कि अंग्रेज़ों ने 1000 का इनाम कुछ रखे थे उनको पकड़वाने के लिए, और लेकिन सुनने में आया कि वहाँ लोगों ने बताया कि वो कभी सर झुकाए नहीं, अपने हाथों से अपने गर्दन को उड़ा दिए, सर धड़ से अलग कर दिए। ये वो जीते जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनको पकड़े, है ना। और कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ गया उस फाइट के दौरान जब लड़ाई हो रही थी, तो उनके काफ़ी हाँ टिकलाल भाई मलेशिया से टिकलाल जी जुड़े हमारे साथ। हाँ आज बात कर रहे हैं वीर बुद्ध जी के जीवनी के ऊपर में। दादा मैं जानना चाह रहा हूँ, वही 1000 रुपये जो उनको पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था और अपने सर मतलब झुकाए नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताइए। अंग्रेजों के साथ इनका बैटल चल रहा था, तो अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किए उनको कैप्चर करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं हुआ और अल्टीमेटली उनको बहुत खुंदस हो गया। और जो सिलागाय जो गांव है उनका, उसको चारों तरफ से घेर के उन लोगों ने अटैक किया। और जब ऐसा सिचुएशन आया तो उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनके साथ जो फाइट करे थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा ये वीर शहीद हो जाए, तो वो पूरा घेर के रखे थे। तो वीर बुद्ध भगत जी ने देखा कि मेरे चलते इतने लोगों का जान जा रही है, तो तब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक तो हमको उनसे सरेंडर नहीं करना है, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद अपने सर को अपनी ही तलवार से फिर वो काट लेते।
तो चलिए दादा, बहुत अच्छा संक्षेप में बताए। प्रीति जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आपका लाइव देख रही हैं। चलो हाय प्रीति जी, और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल में ज़रूर जाइए और करम राज 9 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे वीडियो फिल्म भी हम लोग बहुत जल्द ला रहे हैं, ताकि हमारे जो मेन हीरो थे वीर बुद्धू जी, उनके जीवनी को जानने का मौका मिलेगा। और ये अगर ज़रा सी हमारे मन में अगर श्रद्धा है या उनके प्रति कुछ है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हाय डियर फ्रेंड्स, फिर से हम लोग आते हैं और अभी बात करेंगे दादा से। ऐसे गाना चाहता हूँ, परिचय कराना चाहता हूँ। ये दादा विश्वनाथ उरांव जी जो जिन्होंने ये गाना लिखे हैं, वो 15 मिनट के गाना लिखे हैं, झारखंड से अब तक की सबसे लंबी सॉन्ग होगी। दादा मतलब बोलना चाहूँगा, बहुत सारे थे कि आपके ऊपर ये मेन फोकस वीर बुद्ध जी के ऊपर ही क्यों गया। देखते हुए देखे कि भाई अपने लोगों को, हमारे चलते जो है लोगों की जान जा रही है, तो उनको जो है लोगों के प्रति इतना प्रेम था कि अगर जब तक हम जिंदा रहेंगे तो मेरे लोग मारे जाएंगे, तो वो हम अगर अपने आप को कुर्बान कर देंगे तो हो सकता है कि युद्ध रुक जाए, जैसे बोलते हैं कि वार जो है रुक जाएगा। तो हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ जो इतिहास बताता है उसके हिसाब से, लेकिन उनका सोच था कि नहीं मेरे चलते लोग मर रहे हैं तो मैं अपनी कुर्बानी जो दे देता हूँ। और उन्होंने अपने तलवार से अपना धर अलग करना, ये मुझे तो झारखंड के संदर्भ में नहीं मिलता है आज तक, मैं जितना इतिहास पढ़ा हूँ खास करके झारखंड के संदर्भ में इस तरह का हमको देखने के लिए नहीं मिलता है कि कोई जो है अपने लोगों के लिए जो है अपने लोगों का जान बचाने के लिए अपना जान दे दे। आज का स्थिति तो आप लोग सब पता है क्या हो रहा है, लेकिन इस तरह का जो है नहीं है कि कोई अपने लोगों का बचाने के लिए अपना बलि अपना ही कुर्बानी दे दे। तो ऐसा इतिहास पुरुष को हम लोग क्यों, मतलब हमारे जो भी झारखंड के लोग हैं वो इसको दरकिनार किए हुए हैं। तो यही मेरे मन में था, कचोड़ता था कि नहीं मैं उस समुदाय से हूँ और उस क्षेत्र से हूँ, तो